कर निमाणा हो मान नाल ना कर क्योंकि वो है निमाणिया दा मान। निमाणा हो के कोई करेगा तो मान पाएगा, जे मान साहे नाल करेगा तो फिर मान टूटेगा। इस वास्ते ध्रुव ने भगती की निमाणे मन नाल। भाई साहब आखदे ने होए निमाणा भगत कर, निमाणा हो के भगती कीती ते फल की पाया, गुरमुख ध्रुव हर दर्शन पाया। ध्रुव ने हरी दा दर्शन पाया। होए निमाणा भगत कर, गुरमुख ध्रुव हर दर्शन पाया, भगत वचल होए पेटिया, मान निमाणे आप गवाया। असी कोई चंगा काम करिए ते फिर तारीफ कोई करे दूजे दी तो अंदर अग लग जाती, क्योंकि मन में आउंदी है भी मेरी नहीं करदा, ओदी सिफत करी जांदा मेरी नहीं करदा। हुण अपनी सिफत असी करवा नहीं सकदे, असी फिर दूजे दी निंदा करदे। किसे तरह एदी भी सिफत ना होवे, उसका कोई औगुण दसांगे, ओदा कोई माड़ापन जाहर करांगे, ते फिर पुछांगे भी तू एडी तारीफ पिया करना, हुण दस कुछ सुनी सुनाई कहांगे, कुछ कोलो बना के दसांगे, कोई गल सच भी निकल आएगी। पर साहब बाणी विच आख दिन केडा जपी होवे, किड्डा तपी होवे, कितना भजनीक होवे, कितना जप लवे, भाई जे निंदा करेगा तो फल नहीं लगेगा। जे ओ ग्रहण करे कुलखेत्र, जे कुलखेत्र जाके ग्रहण लगा होया ते दान करे, कितना कु दान करे भाई। किसे समय राजे राणियां दान कर दे, दान करके राणी ते फिर उसका मुल पवा के मुल ले लेने। अज इथों ये रवाज पै गया है, गंगा दे किनारे जाओ वछियां ले खड़ोते हैं, क्यों जी गऊ दान करोगे,
कितने कवाली पंज पैसिया दी दसा दी रुपये दी दसा रुपया दी गौ इको है बस हाथ रख ते पैसे दे तेरा दान हो गया क्योंकि गौ दान नहीं करनी गौ ता सिर्फ विखाले वास्ते खड़ी कीती है उसका मुल पा लेना है जे समर्था पंज पैसिया दी है तो पंज पैसे मुल पा ले समर्था दसा दी है तो दस पैसे मुल पा ले गौ इको ही है राजे राणिया दान करते सन और राणिया फिर मुल पा के ले लेना सहब आखदे ने जे ओ ग्रहण करे कुल खेत्र अरपे नार सिंगार समेत अपनी नार नू अपनी स्त्री नू शिंगार के दान कर देना जो उसका जेवर गहना गट्टा कपड़ा लत्ता जो कुछ भी है वह भी नाल जे ओ ग्रहण करे कुल खेत्र अरपे नार शिंगार समेत स्नान करके राणी दान कर देवे ते फिर बह के सगली सिमरत सर्वनी सुना सारिया सिमरतिया वेद पुराण पाठ एक मन ला के बह के चौंकड़ी विच सुने पर साहब आख दिन जे उसने की ना निंदा क्योंकि निंदा उही करदा है किसे दी जेड़ा होमे विच हो निम्रता वाला निंदा नहीं कर सकता यही निशानी है निंदक ओही होवेगा जिस विच हंकार होएगा निम्रता वाले कोल निंदा कितों आई ओ तां किसे नू माड़ा कहेगा नहीं जद भी कहेगा हूं अपराधी गुनाहगार हूं बेमुख मंदा बाबा जी आखरी सन गुरमुख अपने अवगुण वेखदा ते मनमुख अपने गुण वेखदा गुरमुख दूजे दे गुण तकदा ते मनमुख दूजे दे अवगुण तकदा गुरमुख ते मनमुख दा यही फर्क है तो जे ओ ग्रहण करे कुल खेत्र अरपे नार शिंगार समेत सगली सिमरत सर्वनी सुने करे निंद कमने नहीं गुना जे उसने निंदा कीती है हंकार विच आ गया है ता जो कुछ कीता सू निष्फल हो गया उन्हें फल नहीं लगा इत्थे ही बस नहीं जे ओ अनेक प्रसाद करावे ये ग्रहण तो लगेगा ना कदे कदे ते नेम हुंदा जिहड़ा नित दा कीता जाए ते नित दा नेम है भई प्रसाद कराना प्रसाद छकाना लंगर चलाना आखिए ए भी कर लवे बेशक जे ओ अनेक प्रसाद करावे भूम दान शोभा मंडप पावे एडा उपकारी बन जाए भी अपना बिगार बिराना संड है अपना कम बिगाड़ के दूजे का कर दे कई अपना भी भावे न बिगड़ता होजे का नहीं कर दे कई दूजिया के कम बिगाड़ के अपने सवार दे पर कोई ऐसे भी उपकारी हैं भी अपना कम ओ जाने नहीं हुंदा ना होवे जे दूजे का कम बनता है तो भाई एदा जरूर कर दे आखिया जे इतना उपकारी होवे कि अपना बिगार बिराना संड है तो करे निंद बहुजोनी संड जे फिर उसने निंदा कीती है इतना कुछ करके भी तो जोनिया च फटकदा फिरेगा जमन मरण की फाई चो निकलेगा नहीं क्योंकि निंदक हंकारी है जन निर्वैर निंदक हंकारी जिहड़ा निंदक है हंकारी है ते हंकार विच कर्म कीता फल नहीं दिंदा गुरमुख ध्रुव हर दर्शन पाया किवें पाया के होए निमाणा भगत का निमाणे मन नाल निम्रता विच रह के होए निमाणा भगत कर गुरमुख ध्रुव हर दर्शन पाया भगत वचल होए भेटिया मान निमाणे आप गवाया ते फिर उसका फल की होया मात लोक विच मुक्त कर नेचल वास आकाश चढ़ाया चंद सूरज तेती करोड़ पर दखना चौफेर फिराया आखिया वेद पुराण वखान दे प्रगट कर परताप जनाया
ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਜਾਂ ਸਾਖੀ ਕਿ ਇੰਝ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਝ ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲੈ, ਧੂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੀ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੋਤਾ। ਰਾਤੀ ਪੈ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਧੂ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਰੇ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਹ ਤਾਰਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰੂਵ ਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਹੈ ਇਹ ਥਿਰ ਪਾਰ ਬਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ ਸੇਵਕ ਥਿਰ ਹੋਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਚਲ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਅਟਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਕੌਣ, ਜਿਸਨੇ ਜਪਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੁਆਰੇ ਕਿ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਪੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਪਾਓ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਬਰਖ ਕੋ ਅਨਾਥ ਦੂਬਾਰ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਮਰ ਅਟਾਰ। ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਮੁੜ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਭਟਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਧਰੂ ਅਟਲ ਅਜ ਹੂੰ ਨਹਿ ਟਰਿਓ, ਅੱਜ ਤਾਈ ਨਹੀਂ ਟਲਿਆ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਅਚਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲਿਆ ਧਰੂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਕਿਤਨੇ ਕ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਧਰੂ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਸਹਿਬਾਗਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਂਚ ਵਰਖ ਤੋਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤ ਵਚਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸਨ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤਾਂ ਐਸੀ ਰੱਖ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸਤ ਵਚਨ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਨ ਆਈ ਕਰੇਗਾ, ਸਤ ਵਚਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮਨ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭਟਕਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤਾਂ ਐਸੀ ਰੱਖ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਮਰ ਜਾਏ, ਮਨ ਝੁਕ ਜਾਏ, ਮਨ ਹੁਜਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਨ ਆਈ ਨਾ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸਨ ਆਪ ਤੋਂ ਦਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਛਾ ਟੇਕਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਸਤ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਸੰਤ ਸੇਵੀ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸਨ ਸੰਤ ਸੇਵੀ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੈ ਸੰਤ ਸੇਵੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਦੋਖੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਸੇਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਏਡੇ ਪੁੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਰੱਬ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੋਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ।
नारद दा पहुंच गया हथ ध्रुव तक, उधर पहुंचिया दरगाह तक। विचाले खड़ोता सी नारद, ध्रुव बेटा किधर चले हैं? जी मैं जपन चले हैं। तू कला पिया जाने? आखे नहीं जी, मेरे नाल ओ भी है जिन्हू मैं जपन चले। फिर केडे प्रसन्न होए सुन के, जाग अगे ही लगी पई, हुण तां सिर्फ रिड़कना ते मक्खन कढ़ना। तो फिर नारद मुन उपदेश किया, ऐसी स्टेज आउंदी है किसे वेले जग्यासु दी, जिस वेले महापुरुष उपदेश दा और ओ उसदे हिरदे विच वस जांदा। पर इस वक्त नूं असी नहीं समझ सकते कि वह वक्त किस वेले आएगा। असी तो हर वेले ये उड़ीकने भी फलाना कम है महात्मा नूं आख, फलाना कम है महात्मा दे पैर फड़ लो, बस होया समझ। छोटा की ते वड्डा की, जेड़ा कम आन बने, संगत है किस वास्ते? इसे वास्ते नहीं, संगत है तरन वास्ते, संसार सागर तो तरन वास्ते। संगत है मन दी मैल धोण वास्ते। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, ताहे मिलंत जम त्रास मिटाई। जपना किस वास्ते? इसे वास्ते, जप गोबिंद गोपाल लाल, राम नाम सिमर तू जीवे, फिर न खाई महाकाल। ऐसा जीवन पावेगा जो तैनू फिर महाकाल नहीं खा सकेगा। परलो आवेगी पर तू ना मरेगा। सतगुरु बोलो श्री राम। नाम रहो साधु रहो, रहो गुरु गोबिंद, कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरमन। इस वास्ते राम नाम उर्मय गयो, क्योंकि जपन वाले सदा रहिंदे हन ना। इस वास्ते मैं अपने हिरदे विच ए वाहिगुरु तेरा नाम धारण कर लिया। जां के सम नहीं कोई, जिस दे बराबर कोई होर है ही, ऐसे बेड़े चढ़िया जेड़ा बेड़ा तोड़ कदी नारे लगन वाला है। किसी ऐसे बेड़े नहीं चढ़ना भाई जेड़ा तोड़ ना पहुंचा सके। ओ इको ही बेड़ा है जपन दा, जपन दा। और जपना संगत नाल मिलके, मिल साध संगत भज केवल नाम। भाई साहब आखद निज घर मेरो साध संग नारद मुन। ओ नारद मुनि मेरा घर पुछने कि मैं किथे निवास करदा हां। दर्शन मेरो साध संग निज रूप है, जिथे संगत है, जिथे बह के कोई गा रहा है, जिथे बह के कोई जप रहा है, ओ मेरा असल घर है, उथे मैं सदा निवास करदा हां। मैनू वेखना होए तां नारद उथे आ जाया कर। निज घर मेरो साध संग, मेरा ओ असल घर है। क्योंकि जपण वाले जिस वेले जपदे हन, उन्हां दे हिरदे ते कोई आसन उस वेले विछिया हुंदा जिहड़ा मैं खाली नहीं रख सकदा। जिस आसन ते जाके मैनू बैठना पैंदा, तो जपण वाला अपने हिरदे उत्ते आसन विछा के वाहिगुरु नूं वाजा मारदा। ते ए आवाज ऐसी है जो सुन के अनसुनी नहीं कर सकदा। ओ फिर उस हिरदे नूं आण के सुभाए मान करदा, सफल करदा है। तो कबीर जी आखदे ने, तुसीं भी जपो भाई, ऐसे बेड़े चढ़ो जो आप भी तरो। जप गोविंद संगी सब तारे, बहुत नहीं पंच बटवारे।